नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम DMTK फार्मा के मैक्समैन हर्बल कैप्सूल की डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको इस कैप्सूल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाली सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। मैक्समैन हर्बल कैप्सूल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क करने योग्य एक्स्ट्रा एनर्जी, बॉडी विगोर और वाइटलिटी के साथ साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग शैथिल्य, लो स्पर्म काउंट यानी शुक्रालपता, शारीरिक कमजोरी या फिर स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन या मानसिक तनाव जैसे प्रॉब्लम पे काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अब जरा डिटेल में जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में और बाद में जानेंगे कि इस कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है। तो दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें स्वर्ण भस्म, रजत यानी चांदी का भस्म, लोहा भस्म, अभ्रक भस्म, गोदंती भस्म, बला, इलायची, सालम पंजा, सालम मिश्री, शतावरी, शुद्ध कुचला, शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, जावित्री, आंवला, सोंठ, सौंफ, कमलगट्टा, ऐसे द्रव्य शामिल हैं। इन औषधि का उपयोग जो है वो आयुर्वेद में हमेशा से ही पुरुषों की ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता आ रहा है, यानी ये कैप्सूल एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स बॉडी की वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, साथ में ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अवयव पे यानी यौन अंगों पे काफ़ी पॉजिटिव काम करता है। इनसे नसों की कमजोरी और अवयव की शिथिलता और उदासीनता दूर हो जाती है। ये कैप्सूल्स आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, साथ में ही GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और ISO से भी सर्टिफाइड है। ये 100% हर्बल और नेचुरल है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर फ्लेवर्स नहीं मिलाए हुए हैं। तो अब बात आती है कि इसे कौन कौन ले सकता है। जो लोग हमेशा फटीग यानी थके थके महसूस करते हैं, जिनका जोश या एनर्जी लेवल हमेशा बहुत ही कम होता है, किसी भी काम को करने का जिनका कभी मन नहीं होता, यानी एक तरह का वीकनेस और डिप्रेशन हमेशा बना रहता है, इसी कमजोरी के चलते ऐसे लोगों में ठीक से इरेक्शन यानी यौन उत्तेजना नहीं आती, अच्छी बॉडी के बावजूद भी जो लोग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, घबराहट की वजह से तुरंत इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, ये ऐसे पुरुषों के लिए उपयोगी है। शुक्राणुओं की संख्या यानी स्पर्म काउंट का कम होना या मोर्टलिटी कम होना, ऐसे केसेस में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, इसके डोसेस की बात करें तो इसका एक कैप्सूल सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद थोड़े दूध के साथ लेना होता है। वैसे आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इस कैप्सूल के नॉर्मल डोसेस से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते, लेकिन यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की ज़रूर सलाह लेनी होगी। और यदि आप हाई BP से परेशान हैं तो आप इस कैप्सूल को ना ही ले तो बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मैक्समैन हर्बल कैप्सूल की। यदि आपको इस कैप्सूल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आपको इससे जुड़ी और सभी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रही होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्द एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।